ऑक्टोबर रोजी महात्मा गांधीजींची 153वी जयंती साजरी करण्याकरिता बहुजन विचार मंचाने शहरातील संविधान चौकात एक कार्यक्रम आयोजित केला होता। या अनुषंगाने वेरायटी चौक ते संविधान चौक अशी शांती यात्रा काढण्यात आली। या यात्रेत 350 शालेय विद्यार्थ्यांनी देखील सहभाग घेतला। या कार्यक्रमात माजी मंत्री सतीश चतुर्वेदी अध्यक्षस्थानी, माजी मंत्री व आमदार सुनील केदार, माजी मंत्री व आमदार नीतिन राउे, माजी आमदार अशोक धवड़ी यांची प्रमुख उपस्थिति होती। जाता है बैच नंबर 345 भीषमा गुनाक्ष। यहाँ इतना ही कहूँगा कि गांधी जी की जयंती कल हम मनाने जा रहे हैं। परसों में कहीं कोई टीवी पे डिस्कशन सुन रहा था तो किसी ने कहा कि आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए इन पहले रास्ते पे आ चुका है। कानून बनता है जो जनता को इस बात का एहसास कराता है कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस दिन जनता को ये पावर होगा कि उस सत्ता को वहां से हटाए, बेदखल करे या अपने इलाके के पार्लियामेंट्री को हटाए या विधायक को हटाए कि तुमने ये पास कैसे होने दिया। ये राइट टू रिकॉल का जिक्र जो हो रहा है, हम इसको व्यापक वे में और ले जाना चाह रहे हैं कि हमें समझना होगा ये पार्लियामेंट चलती कैसे है। सर, हमारे ही आपके पैसे से चलती है, सुप्रीम कोर्ट हमारे ही आपके पैसे से चलती है। प्रधानमंत्री मोदी के एक दिन 4 लेयर जो सिक्योरिटी है, जिसमें सबसे बेस्ट सिक्योरिटी जो होती है, जो सिर्फ अब उन्हीं के लिए है, उस पर 500 करोड़ रुपया खर्चा होता है। तो मजाक है क्या इस देश के साथ? हवाई जहाज पे चलते हैं तो अमेरिकी प्रेसिडेंट के बाद भारत के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए जो जहाज बनाया गया, जिसमें 8,500 रुपए के इक्विपमेंट लगाए गए कि उस पर मिसाइल भी छेद ना कर सके, ये कोई मजाक है क्या? हम लोग सेंट्रल विस्टा देख रहे हैं, ये कोई मजाक है क्या? क्या इस देश में सबका पेट भर गया क्या? इस देश के भीतर में हर कोई फीस के पैसे देने की स्थिति में आ गया क्या? बच्चों की पढ़ाई अपने अनुकूल कर दी क्या? ये कौन सी स्थिति है? हम एक मेंटल एस्पेक्ट में आपको लाकर खड़ा कर रहे हैं, जहां पर आप माने कि प्रधानमंत्री महान है, आपके इलाके का विधायक महान है, ये सांसद महान है, ये मंत्री महान है, आप मानते रहिए। एक पीरियड के बाद हो सकता है जो स्थिति इस देश के भीतर की चल रही है, उसमें सभी यहां बैठे हुए नजर आएंगे। आप ही के इलाके से गडकरी भी आते हैं, क्या कीजिएगा? पार्लियामेंट्री बोर्ड से अलग हो गए ना, और पार्लियामेंट्री बोर्ड में उनकी जगह कौन आए? यदुरप्पा जी की कुर्सी दे गई थी करप्शन के चार्ज। अब आप क्या करोगे? आप कहेंगे राजस्थान का भी जिक्र कर दीजिए, राजस्थान में क्या हो रहा है। यहां पर हर पत्थर को उठाइएगा तो उसके नीचे आपको सिर्फ दाग ही दिखाई देंगे, और हम उसके बावजूद भी कहें कि हम महात्मा गांधी को कैसे याद करें। महात्मा गांधी की हर परिभाषा उनके ऊपर बनी फिल्म आने के बाद हर बच्चे के भीतर है। तो सेल्फी लेते हुआ नाटक हो या किसी भी अर्थ में वैचारिक तौर पर जो भी लव जिहाद का जिक्र यहां पर बच्चों ने किया, किसी रूप में भी हुआ, किसी भी रूप में उसके एक्सप्रेशन जो हैं, और हो सकता है कि आपके एक्सप्रेशन से आपके बेटों के एक्सप्रेशन मैच नहीं करते हो, लेकिन आखिरी बात ध्यान में जरूर रखिएगा। महात्मा गांधी गए विदेश, नेहरू गए विदेश, सरदार पटेल ने भी पढ़ाई की, लेकिन भारत के भीतर हर बरस जो हायर एजुकेशन के लिए बच्चे विदेश जा रहे हैं, उनकी तादाद इस बरस सबसे ज्यादा 8 लाख हो गई है। 8 लाख बच्चे विदेश जा रहे हैं, लौटने वाले बच्चों की तादाद सिर्फ 2.5% है। उद्याला 2 ऑक्टोबर महात्मा गांधीची 153वी जयंती है। त्यानिमित्तानं बहुजन विचार मंचनी त्यांच्या जयंतीचा कार्यक्रम जो साजरा करण्याकरता ह्या संविधान चौकात आम्ही एकत्रित झालेलो होतो। ह्या कार्यक्रमाची विशेषता अशी की व्हेरायटी चौक म्हणजे गांधी पुतळ्यापासून संविधान चौकापर्यंत एक शांतीयात्रा आम्ही आयोजित केली होती। त्याच्यामध्ये जवळपास 300-350 शाळेच्या मुलांनी सहभाग घेतला आणि इथे अतिशय सुंदर मार्गदर्शन पुण्यापासून वाजपेयी आणि बाकीचे नेते आमचे सतीश बाबू चतुर्वेदी, सुनील केदार यांचं गांधी त्यांच्या तत्त्वाधानावर अशी अतिशय चांगलं असं त्यांचं मार्गदर्शन झालं।